हेलो एवरी वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी मैथामेटिक्स चैप्टर फोर इक्वेशन ठीक है क्लास टेंथ एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन पढ़ो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ़ द रेहस एज ठीक है so सबसे पहले रेसिप्रोकल देख लो जैसे मान लो एक्स है इसका रेसिप्रोकल कितना होगा वन अपान एक्स ठीक है एक्स प्लस टू है इसका रेसिप्रोकल कि, कितना वन अपान एक्स प्लस टू मतलब वन अपान में किसी चीज को लिख देना डेट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ठीक है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स रेहमानस एज इन ईयर ठीक है एज किस किस में है ईयर में सालों में है थ्री ईयर एगो तीन साल पहले फाइव ईयर फ्रॉम नाउ और तीन साल बाद इज वन अपन थ्री फाइंड इज प्रजेंट एज तो वो कितने साल का भी है ठीक है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ़ द रेहान एज मतलब तीन साल पहले और पाँच साल बाद का जो सम है वो वन अपान थ्री है तो प्रजेंट में कितने साल का है यही आपसे पूछ रहा है तो देखो जो निकालना है उसको आप यक्स Let the present age of the be x मान लो लेट द प्रजेंट एज ऑफ द रेहान बी एक्स ईयर ठीक कितना आ गया x ईयर थ्री ईयर एगो तीन साल पहले प्रजेंट का तो यक्स है तो तीन साल पहले पहले कितना होगा यक्स माइनस थ्री होगा ऑब्वियसली और तीन साल बाद पाँच साल बाद कितना होगा एक प्लस फाइव होगा पाँच साल बढ़ जाएगा और तीन साल पहले तीन साल घट जाएगा सो so सिंपल अब देखो गिवेन सम ऑबरे प्रूकल ऑफ़ द रेहंस एजिज थ्री ईयर एन एगो एन द फाइव तीन तीन साल पहले और पाँच साल बाद में उसका सम कितना दिया था वन अपॉन थ्री तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने कर दिया ठीक है तो आ, उसका रेसिप्रोकल निकालना था तो एक्स एक्स माइनस थ्री का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री ठीक है ऐसे देखो तीन साल पहले का इसका रेसिप्रोकल निकालो कितना होगा वन अपान एक्स माइनस थ्री होगा ना और इसका वन अपान एक्स प्लस फाइव होगा तो इसका सम दिया है ना कि इसका रेसिप्रोकल का सम दिया है तो इसीलिए हम इसका रेसिप्रोकल निकाल के और सम कर देंगे कितना इक्वल कर देंगे वन अपान थ्री के बोलो समझ में आया ना अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा दो आंसर आएंगे तो आपको देखो कैसे होगा ठीक है वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू वन अपॉन थ्री अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और इसका मल्टीप्लाई इसमें करो कैसे होता है देखो इस ऐसे ठीक है और ऐसे और ऐसे ठीक है तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो x कर था तो प्लस फाइव का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो एक्स प्लस फाइव होगा बीच में साइन क्या है प्लस तो प्लस यहाँ रख दो x माइनस थ्री का मल्टीप्लाई वन में करोगे तो x माइनस थ्री होगा अपॉन एक्स माइनस थ्री का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव में तो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव ठीक है इक्वल टू वन अपॉन थ्री अब देखो x प्लस यक्स कितना हो जाएगा टू एक फाइव माइनस थ्री यह क्या माइनस है ना तो फाइव माइनस थ्री डेट इज टू अपन थ्री अब देखो एक्स इंटू एक्स यक्स स्क्वायर यक्स इंटू फाइव फाइव ठीक है माइनस थ्री यक्स माइनस थ्री यक्स माइनस फाइव इंटू फाइव सॉरी माइनस थ्री इंटू फाइव डेट इज माइनस फिफ्टीन ओके जब आप इसको फिर से अरेंज करोगे तो देखो यक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स कितना बचेगा टू यक्स बचेगा देखो हमने टू एक्स लिख दिया एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और कितना बचा माइनस फिफ्टीन को यहाँ हमने लिख दिया ऊपर कितना टू एक्स प्लस टू है टू एक्स प्लस टू इक्वल टू वन अपान थ्री है तो वन अपान थ्री हमने पुट कर दिया ऐसे अब देखो इसके बाद इसके बाद फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें बीच में इक्वल टू है तो देखो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो थ्री इंटू टू एक्स प्लस टू देखो टू एक्स प्लस टू इंटू थ्री जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक बेचारा कुछ नहीं करता तो यही नंबर यहाँ आ जाएगा तो यक्स स्क्वायर प्लस टू एक माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो अब इसको एक साइड कर लो ठीक है जब आप एक साइड करोगे तो देखो थ्री टू जा सिक्स यक्स आ थ्री टू जा सिक्स ठीक है और ये तो ऐसे ही है जब आप इस सबको इधर लेकर आओ ठीक है ठीक है या फिर और हमने साइड चेंज करके लिख लिया है तो देखो यक्स स्क्वायर जब ये साइड चेंज करेगा यक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू एक जब ये साइड चेंज करके आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स आएगा ठीक है और जब ये साइड यहाँ क्या था माइनस फिफ्टीन था ना तो माइनस फिफ्टीन हमने रख दिया अब ये प्लस सिक्स जब साइड चेंज करके आएगा तो कितना होगा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो यहाँ यहाँ पे कुछ नहीं बचाना तो इक्वल टू हमने जीरो रख दिया ठीक है तो देखो यक्स स्क्वायर अब देखो टू माइनस अक्स सिक्स एक्स कितना आ जाएगा माइनस फोर एक्स आएगा प्लस टू माइनस सिक्स एक्स कितना आएगा माइनस फोर एक्स आएगा ठीक है अब देखो यक्स स्क्वायर हमने लिख दिया माइनस फोर एक्स माइनस फिफ्टीन आ, 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 आ माइनस सिक्स कितना हो जाएगा माइनस ट्वेंटी वन ठीक है ये आप समझ रहे हो ना टू एक्स अ माइनस सिक्स एक्स ठीक है बिगर नंबर तो माइनस स्मॉलर वन बी वन इज द बिगर सिक्स एक्स तो सिक्स एक्स माइनस टू एक्स कितना आएगा फोर एक्स अब साइन किसका आएगा बिगर नंबर का बिगर नंबर कौन है सिक्स एक्स का साइन क्या माइनस तो यहाँ माइनस लगा दो तो ए आंसर आएगा ठीक है तो इसीलिए हमने यहाँ रख दिया है ठीक अब इसके बाद वाला देखो हाँ इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन इक्वल टू जीरो अब एक्स स्क्वायर देखी सी कितना है वन ठीक है वन इंटू ट्वेंटी वन कितना होगा ट्वेंटी वन का फैक्टर करो आप इसका फैक्टर करते हैं इसका इंटू मल्टीप्लाई या फिर उसका कॉपी यानी ओवन है तो कोई मतलब नहीं है ट्वेंटी वन का फैक्टर करोगे तो थ्री से कट करोगे तो सेवन फिर सेवन से कट करोगे तो वन यानी थ्री इंटू सेवन इक्वल टू ट्वेंटी वन अब थ्री इंटू सेवन फैक्टर को ऐसे अरेंज करो कि यहाँ फोर आ जाए तो कुछ नहीं सर हम सेवन माइनस थ्री कर देंगे तो फोर आ जाएगा तो फोर को हम किससे रिप्लेस कर देंगे सेवन माइनस थ्री से बोलो ठीक तो देखो यहाँ फोर है ना तो फोर को हम सेवन माइनस थ्री से रिप्लेस कर दिए अब यहाँ माइनस है ना तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाएगा यक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और यक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा ठीक तो देखो यक्स स्क्वायर सेवन है ना तो इस, 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 इसका माइनस है ना तो माइनस सेवन एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री इंटू यक्स थ्री एक्स और माइनस ट्वेंटी वन एस यूजल अब देखो यहां से हम यक्स कॉमन ले लेंगे इसमें से यक्स जब कॉमन लोगे तो यहाँ दो दो यक्स है ना देखो दो यक्स है एक एक तो एक यक्स जब कॉमन ले लोगे कितना बचेगा गचेगा और यहां पे यक्स है एक था वो भी कॉमन आ गया तो कितना आ बचा सेवन तो यक्स एक्स माइनस सेवन यहां से थ्री कॉमन ले लो ठीक है जब आप थ्री कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा यक्स बचेगा और ट्वेंटी वन में जब हम कॉमन लेते हैं तो ट्वेंटी वन में थ्री से डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा सेवन तो यहाँ कितना बच जाएगा सेवन बच जाएगा यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ लग जाएगा अब यक्स माइनस सेवन यहाँ भी है x माइनस सेवन यहाँ भी है अब तो टोटल कॉमन ले लो तो यक्स माइनस सेवन जब यहाँ निकालोगे तो कितना बचेगा x प्लस थ्री बचेगा देखो यक्स प्लस थ्री यहाँ बचा ठीक है अब देखो एक्स माइनस सेवन एंड यक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है यानी दोनों नंबर जीरो होना चाहिए ए भी जीरो एंड ये भी, भी जीरो जब आप इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो यक्स की वैल्यू आएगी सेवन ठीक है जब आप इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स प्लस जीरो तो माइनस थ्री एज कैनॉट नेगेटिव। अब हमनेट एज इज सेवन ईयर तो, तो, तो रहमान तो अभी कितने साल का है सात साल का है पता नहीं कौन सा रहमान लेकिन क्वेश्चन दिया गया तो आंसर कितना हो जाएगा सेवन ईयर ओके Thank you, class.